आप ही इसका जवाब दीजिए, क्या हम बेटियां बिहार के परिवार में नहीं शामिल हैं? क्यों सर, 6 साल से हम योग्य थे, आज हम अयोग्य हो गए, कैसे हो गए सर? 6 साल से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, क्या 6 साल से बच्चा को देख रहे हैं आप? उसके बाद एज खत्म हुआ किसी नौकरी का तो हम लोग कहाँ जाए, हम लोग को वोट पे रहना चाहिए। तो सर हम लोग तैयार है ना, सामूहिक जेल में भरिए, हम लोग तैयार है, कम से कम जेल में खाने के लिए रोटी तो मिलेगा। जब आप अपने सुविधा के अनुसार संकल्प 51 तोड़ सकते हैं तो क्या हम लोग को वापस लेने के लिए आप तोड़ नहीं सकते हैं? इलेक्शन करवाए, कोरोना ड्यूटी में काम करवाए, जातिगत गणना करवाए, जब सब कुछ वो करवा सकते हैं तो फिर हमारी सेवा को अस्थाई क्यों नहीं कर सकते? सर प्रदर्शन आज किए तो बिल लाठीचार्ज हुआ, अगर यही आचार संहिता नहीं भी लागू होता तभी भी नियोजितों पे तो लाठी बरसाया गया था, आंगनबाड़ियों पे बरसाया गया, तो कहाँ ये लिखा हुआ है कि सिर्फ आचार संहिता में ही लाठी बरसाया जाता है? हम क्या हम लोगों का नौकरी से निकाल कर हम लोगों का सपना साकार किया जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए अभी मौजूद है जदयू कार्यालय के पास और सुबह से जो है अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार बीजेपी कार्यालय, जदयू कार्यालय या सीएम आवास जा रहे हैं, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन तो नहीं मिल रहा है लेकिन बदले में लाठियां बरसाई जा रही है और लगातार ये लोग अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और फिर से जदयू कार्यालय पहुंचे हैं। चलिए क्या कुछ इनकी मांगे हैं पहले हम इनसे जानते हैं। क्या मैम मांग है मैम, लगातार आप जदयू कार्यालय, बीजेपी कार्यालय या सीएम आवास जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, क्या कुछ मांग है? बिल्कुल, मैं 2018 से अतिथि शिक्षक के पद पर हूँ, लगातार 6 साल से कार्यरत थी और 30 तारीख को लेटर निकलता है कि अतिथि शिक्षक की आवश्यकता अब नहीं है। जब एज था तो आपके यहाँ 6 साल काम किए, उसके बाद एज खत्म हुआ किसी नौकरी का तो हम लोग कहाँ जाए, हम लोग को रोड पे रहना चाहिए और हम लोग अभी रोड पे हैं। यही हमारे देखिए पूरा बिहार हमारा परिवार लिखा हुआ है और इससे उल्टा हो रहा है। क्या हम बिहार की बेटी नहीं है? एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, क्या मैं बिहार की बेटी नहीं हूँ? 42 से 57 अतिथि शिक्षक में 50% महिलाएं हैं जो अतिथि शिक्षक के पद पर थी और उनको एकाएक बेघर कर दिया जा रहा है, 42 से 57 परिवार बेघर हो गया है ये, इसलिए हम लोग रोड पे हैं और हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग का ये लेटर जो निकला हुआ है उसको निरस्त कर हम लोग को पुनः विद्यालय भेजा जाए। सेवा से क्यों हटाया गया है आप लोग? बस सेवा से क्यों हटाया गया ये तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे, हालांकि संकल्प 51 के तहत उनकी दुहाई यही है कि आप लोगों को संकल्प 51 के तहत हटा दिया गया, लेकिन संकल्प 51 में कहा गया था कि हम सिर्फ शैक्षणिक कार्य करेंगे, लेकिन संकल्प 51 को तो सरकार ने पहले ही तोड़ दी क्योंकि हम लोगों से उन्होंने गैर शैक्षणिक कार्य भी करवाए, हम लोगों से कॉपी मूल्यांकन करवाए, हम लोगों से इलेक्शन करवाए, कोरोना ड्यूटी में काम करवाए, जातिगत गणना करवाए, जब सब कुछ वो करवा सकते हैं तो फिर हमारी सेवा को अस्थाई क्यों नहीं कर सकते हैं? बस मेरी सरकार से यही गुहार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की यही गुहार है कि हमारी सेवा को भी 60 वर्षों के लेके जब हम लोगों को वापस बुलाया जाए। एक तरफ कैंपेनिंग किया जा रहा है पूरा बिहार मेरा परिवार और दूसरे तरफ रोजगार मतलब नीतीश कुमार और दूसरे तरफ आप लोग को सेवा से हटाया जा रहा है, क्या कुछ वजह है? सर आप खुद ही देख रहे हैं, सर लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार, हम लोग तो सर नीतीश सरकार के उन्हीं के शासन में ना हम लोग बेरोजगार हो गए। अब बताइए सर, हम लोग 6 साल से सेवा देते आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? अब हम लोग का एज खत्म हो गया और आज हम जिस स्कूल से है सर उस स्कूल में कोई टीचर नहीं है, आज बच्चे वापस गए होंगे बैठ के, क्योंकि सर फिजिक्स केमिस्ट्री सब हम लोग गेस्ट टीचर ही थे। हम लोग का संकल्प 51 का हवाला दिया जा रहा है, संकल्प 51 में क्या लिखा हुआ है? जब तक आपके टीचर नहीं आएंगे तब तक आप हटा दीजिए, मतलब कि हटाया नहीं जा सकता है। जब आप अपने सुविधा के अनुसार संकल्प 51 तोड़ सकते हैं तो क्या हम लोग को वापस लेने के लिए आप तोड़ नहीं सकते हैं? तब जब आप अपने अनुसार तोड़ दिए तो फिर उसी वो कह रहे हैं कि योग शिक्षक आ गए हैं इसलिए आप लोग को हटाया जाए। क्यों सर, 6 साल से हम योग्य थे, आज हम अयोग्य हो गए, कैसे हो गए सर? 6 साल से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, क्या 6 साल से बच्चा को देख रहे हैं आप? कितना दिन प्रतिदिन स्कूलों का प्रोग्रेस रिपोर्ट बढ़ते जा रहा है, जब हम योग्य नहीं है तो कैसे बढ़ते जा रहा है? काफी गर्मी है और धूप है, बच्चे के साथ पहुँचे, एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं पूरा बिहार हमारा परिवार है और दूसरे तरफ रोजगार मतलब नीतीश कुमार लिखा हुआ है, लेकिन आज जो है आज लगातार सुबह से आप बीजेपी कार्यालय हो चाहे सीएम आवास हो लगातार जा रहे हैं लेकिन लाठियां बरसाई जा रही है, वजह क्या है?
सर हम लोग की सेवा समाप्त कर दी गई है, बस उसे दोबारा बहाल करने के लिए दर दर भटक रहे हैं कि कोई तो सुनेगा, कोई तो समझे हमारे दर्द को। हमारे बच्चे क्या करेंगे सर, अगर हम लोग कोर्ट करते हैं तो उसका फैसला एक दिन में नहीं आता है, एक साल में नहीं आता, उसमें आने में बहुत समय लग जाता है, तब तक भूखे मरेंगे। रणनीति क्या रहेगा आपका सर? अभी तो सिर्फ संहिता लगा हुआ है, प्रदर्शन करिएगा, लाठीचार्ज होगा सर। प्रदर्शन आज किए तब भी लाठीचार्ज हुआ, अगर यही आचार संहिता नहीं भी लागू होता तभी भी नियोजितों पे तो लाठी बरसाया गया था, आंगनबाड़ियों पे बरसाया गया, तो कहाँ ये लिखा हुआ है कि सिर्फ आचार संहिता में ही लाठी बरसाया जाता है, उससे पहले भी लाठी बरसाया गया है सबों पर। पहले सिर्फ लाठी बरसाई जा रही थी, आप तो जेल में भी भरा जाएगा ना? तो सर हम लोग तैयार है ना, सामूहिक जेल में भरिए, हम लोग तैयार है, कम से कम जेल में खाने के लिए रोटी तो मिलेगा, घर में तो अब हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम रोटी कहाँ से बनाएंगे, घर में हम पालन कैसे करेंगे बच्चों का, हमारे ऊपर भी जिम्मेवारी है ना, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ, तो बेटियां पढ़ करके आगे बढ़ी, अपने परिवार की जिम्मेवारी उठाई, समाज को एक शिक्षित करने में लगी हुई है, तो उसको हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है सर? कहा जाता है कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपकी सेवा समाप्त हो गई है, जबकि हमारे जगह हमें जो आमंत्रण पत्र मिला था उसमें लिखा हुआ था कि जब तक से आपके जगह पे कोई आ नहीं जाता तब तक से आपकी जो जॉब है वो 65 वर्ष तक है। अभी मेरे जगह पे कोई शिक्षक नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें हटा दिया गया। आगे की रणनीति क्या रहेगा? बस रणनीति क्या कर बताना है सर, जब ऐसे भी हम लोगों को, जब हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, भूखे पेट मरना ही है, तो इनके कार्यालय के सामने, इनके आवास के सामने बस हम लोग बैठे रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, यही लाठियां बरसाई जाएगी, जेल में भरा जाएगा, खा लेंगे लाठियां, ऐसे भी मरना है तो लाठी खा के मरेंगे। एक तरफ नीतीश कुमार लिख रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश सर, आपने कहा कि जेल में भर दिया जाएगा, कम से कम जेल में रोटी तो मिलेगी। नीतीश कुमार कैंपेनिंग कर रहे हैं लगातार, पूरा बिहार हमारा परिवार, रोजगार मतलब नीतीश सर का, तो आप लोग रोजगार वाले थे लेकिन रोजगार से हटा दिया जा रहा है, क्या ये चुनावी माहौल तैयार करना हो रहा है? ये तो मुझे नहीं पता, मैं इतनी राजनीति की नहीं हूँ, बस आप ही इसका जवाब दीजिए, क्या हम बेटियां बिहार के परिवार में नहीं शामिल है, क्या हम लोग बाहरी हैं? क्या हम लोगों को जो यहाँ लिखा हुआ है बहन बेटियों का सपना साकार, हम क्या हम लोगों का नौकरी से निकाल कर हम लोगों का सपना साकार किया जा रहा है? पूरा महिला नीतीश कुमार के साथ है, हम लोग महिलाएं नहीं दिख रही हैं, हम लोग महिलाएं क्या उनके उनके आंख में नहीं दिख रही कि हम लोग भी महिलाएं हैं? चुनाव है और ऐसे में अपील क्या रहेगा, अगर जो आपकी बातों को सुनी नहीं जाती है तो चुनाव है, चुनाव में क्या संकेत दीजिएगा? बस उनसे यही अपील है कि हम लोगों को वापस रख लिया जाए, जिस तरह से अभी ICT लैब वालों की भी आज से सेवा समाप्त थी, जिनकी जहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक है वहाँ पर ICT लैब वालों की आज से सेवा समाप्त थी, पर उनका उनको वापस रख लिया गया, आज उनका लेटर निकल गया, उनको वापस रख लिया गया, तो हम लोगों को भी वापस रख लिया जाए। मेरी बस नीतीश सरकार से यही विनती है कि बस हम लोगों को भी वापस रख लिया जाए, हम लोग भी बिहार की बेटियां हैं, हम लोग भी उनके संतान हैं। तो आपने अतिथि शिक्षकों को सुना किस प्रकार से बच्चे के साथ निराश होकर जदयू कार्यालय के पास आए और इस उम्मीद से आए कि इनकी बातों को सुनी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी हुआ है, इनकी जो है सेवा को समाप्त किया गया, उसके विरोध में ये लगातार सुबह से जदयू कार्यालय, BJP कार्यालय या CVM आवास लगातार जा रहे हैं, लेकिन इनको सिर पर सिर्फ निराशा नजर आ रहा है। देखने वाली बात रहेगी कि अतिथि शिक्षकों की बात को सुनी जाती है नहीं सुनी जाती। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट में जरूर दीजिएगा।